अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान लाखों भारतीयों पर असर डालेगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनकर भारत सातवें आसमान पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन थोड़ी चिंता भी बढ़ा सकता है। दरअसल दोबारा राष्ट्रपति बनने की रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय छात्रों को लेकर बड़ी बात कह दी है। ट्रंप ने कहा कि भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ने आते हैं, यहाँ उन्हें डिग्रियां मिलती हैं। हमारे कॉलेज में पढ़कर भारतीय छात्र और भी ज्यादा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कई छात्र भारत वापस चले जाते हैं। भारत जाकर वो अपनी कंपनियां खोल लेते हैं और करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। ऐसे में अमेरिका को इन टैलेंटेड भारतीय छात्रों को संभाल कर रखना होगा ताकि ये अमेरिका के विकास का हिस्सा बन पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैं राष्ट्रपति बना तो एक ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिसके तहत भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में आएंगे और पढ़ाई करेंगे तो उन्हें डिग्री के साथ ही मैं ग्रीन कार्ड भी दे दूंगा। मौजूदा समय में भारतीय लोगों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना लगभग नामुमकिन हो चुका है, इसमें सालों लग जाते हैं, इसीलिए ये भारतीय लोग भारत में आकर नौकरी करने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक अमेरिका में नौकरी कर रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार करने वाले भारतीयों की संख्या 21 लाख के पार हो जाएगी। इन सभी को ग्रीन कार्ड मिलने में करीब 200 साल लग जाएंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन कार्ड को लेकर एक बड़ा बदलाव करने की पेशकश कर चुके हैं। मजे की बात देखिए कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बाहर से आए लोगों को अमेरिका से निकालने की धमकी देते हैं, खास तौर पर मुस्लिम देशों से आए लोगों को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की तरक्की के लिए भारतीय लोग बेहद जरूरी हैं। अमेरिका को सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे भारतीय लोग चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान दिखाता है कि वो कितने आगे की सोच रहे हैं। वो अमेरिका में टैलेंट का एक बड़ा पूल बना रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में आज भी कई लोग हैं जो खटाखट पैसे बांटने की बातें करते हैं, लोगों को मुफ्त पानी और बिजली देने का वादा करते हैं, रिजर्वेशन का लालच देते हैं। ऐसे में भारत के पास टैलेंट पूल कैसे बनेगा?